नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल रिकैप में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पबजी कब तक अनबैन हो सकता है और इसके कितने परसेंट चांस हैं अनबैन होने के। तो आइए आइए जानते हैं। दोस्तों, पबजी एक पॉपुलर गेम है इंडिया में और सभी पबजी लवर को इंतजार है कि कब तक ये अनबैन हुआ और इसके चांसेस अब 100% तक बढ़ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी गेम एक साउथ कोरियन कंपनी है और इसका पब्लिशर, इसको बनाने वाली कंपनी टेंसेंट गेम है जो कि चाइनीज कंपनी है। इसी के चलते पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो पबजी कॉरपोरेशन ने एक ऐसा फैसला लिया है, ऐसा एक्शन लिया है टेंसेंट कॉरपोरेशन पर, बस इंडिया ही इंडिया में। ऐसा ने कहा है कि पबजी मोबाइल के लिए टेंसेंट गेम अब ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका पब्लिशर अब टेंसेंट गेम नहीं रहेगा। तो इस गेम की सारी पब्लिशिंग, सारा कंट्रोल अब पबजी कॉरपोरेशन के पास आ गया है। तो टेंसेंट गेम पबजी को कंट्रोल नहीं करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, पबजी बैन को लेकर पबजी कॉरपोरेशन बहुत ही सीरियस है एंड अब जो कनेक्शन है चाइनीज़ कंपनी से अब वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही बिल्कुल, एंड चांसेस अब 100% बढ़ चुके हैं इंडिया में पबजी को आने के लिए बिल्कुल। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी बैन पे एक्शन लिया था उससे पबजी कॉरपोरेशन उसकी रिस्पेक्ट करती है। अब उस एक्शन के बाद पबजी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट से बात करके हल निकाल सकती है और पबजी को अनबैन करवा सकती है। तो जैसा कि पबजी गवर्नमेंट के पास, पबजी कॉरपोरेशन, पबजी की कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी, बट अनबैन करने में बहुत टाइम लगेगा। अब ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के रूल एंड प्रोसेस होते हैं वो सब फॉलो करके पबजी कॉरपोरेशन वहाँ पर जाएगी। तो अगर पबजी कॉरपोरेशन इंडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने में कामयाब होती है तो ये ज़रूर ज़रूर 100% आएगी। इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 महीने 2 महीने जितना मर्जी टाइम लगा। तो क्या आपको लगता है पबजी कॉरपोरेशन के इस एक्शन के बाद पबजी अनबैन हो सकता है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ ज्वाइन द टेक्निकल रिकैप फैमिली। सो डोंट साइड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय, टेक केयर।